वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फैंटेसी चैलेंजर पे। तो आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट T20। तो ये मैच खेला जाएगा सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन, वेस्ट इंडीज टूर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो आज का मैच खेला जाएगा शाम को 4:30 बजे चालू, 5:30 बजे चालू होगा। 5 को लाइनअप आ जाएगी, तो आपको 5 बजे सारे जो प्लेयर खेलते हैं आपको वो वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यही पे हम बात करते हैं वेदर कैसे रहेगा। तो 61% फॉरकास्ट, मतलब यहाँ पे 60% शॉवर के चांसेस है, वहीं पे 40% वो थंडर। तो वैसे नहीं लगता कि पिच के मैच फुली हो पाएगा। वही पे हम बात करेंगे दोनों टीम के बारे में। तो मुआमा साउथ अफ्रीका कैप्टन है और वो लास्ट से बहुत अच्छे फॉर्म में है। वही इनकी प्लेइंग में देखेंगे तो क्विंटन डिकॉक, रिजा हैंड्रिक्स, रुसो, एंडी मकरम, डेविड मिलर, हेनरिक क्लासेन, पारनेल, शशमी, रबाडा, नॉर्टे, जुलुंगिड़ी। वही पर हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज के प्लेइंग 11 के बारे में। तो वो यहाँ पे मिलेंगे केल मेयर्स, चार्ल्स, शमरन ब्रूक्स, ब्रैंडन किंग, निकोलस पुरम, रोमन पॉवेल, ओडियन स्मिथ, जोशन होल्डर, अकील हुसैन, अल्जरी जोसेफ और मकर। तो वही हम बात करेंगे ड्रीम इलेवन टीम की तरफ। तो चलते हैं ड्रीम इलेवन टीम की तरफ। तो ड्रीम इलेवन टीम तरफ के आपको मिलेंगे विकेट के सिस्टम में आपको मिलेंगे अच्छे पिक्स है डेकॉक पर रन। वही बैटिंग सिस्टम में आपको मिलेंगे रुसो जो कि अच्छी फॉर्म है, ब्रैंडन किंग आपको नहीं लेना है, रमन पावर बॉलिंग भी करेंगे और अच्छे खासे हिटर भी है, डेविड मिलर भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। वही पे हम ऑलराउंडर सेक्शन में बात करेंगे तो एंडी मकरम जो एक ऊपर भी आएंगे वो बॉलिंग भी करेंगे, जो कैप्टन है तो वो बॉलिंग फिक्स करेंगे। जोशन होल्डर भी अच्छे ऑप्शन है, केल मेयर्स ये भी अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पे हम रबाड़ एक अच्छा ऑप्शन है, उसके बाद आएंगे नॉर्टेज, अल्जरी जोसेफ, निगेड़ी भी अच्छा ऑप्शन है, देखते आपको रबाड़े को फिक्स लेना है। नॉर्टेज जब देखो नॉर्टेज स्टार्टिंग ओवर डालेंगे, साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करेगी तो आपको नॉर्टेज को लेना है, साउथ अफ्रीका बाद में बॉलिंग करेगी तो निगेड़ी को लेना है। जोसेफ की जगह अल्जरी कंट्रोल भी एक अच्छा ऑप्शन है, वो खेलेंगे तो ही ठीक है। ये रहेगी आज की हमारी ड्रीम इलेवन की टीम ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आप कुछ सबसे अच्छे ऑप्शन रहेंगे, देखिए सब ने उसी को लगाया इसलिए उसको बाद में आएगा। डिकॉक पे अच्छे फॉर्म है, मकरम अच्छे है, होल्डर वाइस कैप्टन के लिए अच्छे है, पूरन वाइस कैप्टन के लिए अच्छे है। वही हम दे सकते हैं ये तीन अच्छे ऑप्शन है, एंडी मकरम, निकोलस पुरम, क्विंटन डिकॉक। उसको भी खेलेंगे लेकिन मुझे नहीं लगता है उसको ज़्यादा चांस मिलेगा। देखिए अभी डेविड मिलर को हम निकाल सकते हैं कि मुझे नहीं लगता डेविड मिलर को ज़्यादा चांस मिलेगा बैटिंग के, क्योंकि इनके टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है, एंडी मकरम है, डिकॉक भी खेलेगा, रिजा हैंड्रिक्स भी खेलेंगे, तो रुसू भी है। तो अभी चारों PSL में अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं ठीक है। तो डेविड मिलर को बैटिंग मिलने के चांसेस कम है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए तो यहाँ से हम ले सकते हैं, हमें एक ऑलराउंडर हमें यहाँ बैट्समैन लेना है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं ब्रैंडन किंग ठीक है, वेस्ट इंडीज़ का बॉल लेना है। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि ओपन कौन करेगा वेस्ट इंडीज़ के बारे में। वेस्ट इंडीज़ के बारे में हमें यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट को लेना है और नील, तो यहाँ पे हमें ब्रैंडन किंग को निकालना पड़ेगा और यहाँ पे लेना पड़ेगा रिजा हैंड्रिक्स को, रोमन पावर को निकालना पड़ेगा और शमरन ब्रूक्स को, ये टॉप ऑर्डर इनका फेल हो जाएगा ठीक है। तो ये रहेगी आज की हमारी ड्रीम इलेवन की टीम। तो हमें यहाँ पे सिर्फ वाइस कैप्टन चेंज करना है, वाइस कैप्टन चेंज करके तो हमें वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन मिलेंगे, डिकॉक भी नहीं, हमें ऑलराउंडर होल्डर अच्छे ऑप्शन मिलेंगे ठीक है,
नहीं तो मैच बॉलिंग में डालेंगे हिटिंग में करेंगे, ठीक है। ये हमारी आज की रहेगी ड्रीम इलेवन की टीम। तो दोस्तों चलो मिलते हैं शाम को 7:30 5:30 बजे।